हाँ जी, तो फिफ्थ डिफरेंस जो है हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, तो उसके लिए फिफ्थ डिफरेंस हमको ऐसे लिखते हैं जी, डेल्टा रेज टू पावर 5 वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा का मतलब ई माइनस 1 रेज टू पावर 5 वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद यहाँ पे अब हम बायनोमियल एक्सप्रेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं। वो क्या होता है जी बायनोमियल, के 5 का कम्बिनेशन 0 के साथ और e की पावर 5 और माइनस 1 की पावर 0, फिर उसके बाद 5 का कम्बिनेशन 1 के साथ e की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1, ये हम बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। 5 का कम्बिनेशन 2 के साथ e की पावर एक और कम हो जाएगी माइनस 1 की पावर 2, 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ e की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, प्लस 5 का कम्बिनेशन 4 के साथ e की पावर ओनली 1 माइनस 1 की पावर 4, एंड लास्ट टर्म इज़ 5 का कम्बिनेशन 5 के साथ e की पावर 0 माइनस 1 की पावर 5। ये मैंने क्या किया, e माइनस 1 की पावर 5 जो है इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगा दिया, और बाहर ये जो y नोट था इसको वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वल क्या था जी, 0 के इक्वल। तो ये सारी एक्सप्रेशन हमने 0 के इक्वल लिख ली, और अब हम इसको अगर सिंपल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा देखिएगा। ये पहले तो हो जाएगा जी e की पावर 5 माइनस 5 कम्बिनेशन 1 e की पावर 4 प्लस 5 कम्बिनेशन 2 e की पावर 3 माइनस 5 कम्बिनेशन 3 e की पावर 2 प्लस 5 कम्बिनेशन 4 सिंगल e रेज टू पावर 1 माइनस 1 y नॉट इक्वल टू 0। और नाउ इस y नॉट को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 5 y नॉट, ठीक है जी, y नॉट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद e की पावर 5 y नॉट माइनस, ये 5 का कम्बिनेशन 1 जो है ये 5 होता है, 5 e की पावर 4 y नॉट, 5 का कम्बिनेशन 2 के साथ 10 होता है, 10 e की पावर 3 y नॉट माइनस, 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ भी 10 होता है तो e की पावर 2 y नॉट प्लस 5 का कम्बिनेशन 4 के साथ 5 e मल्टीप्लाई y नॉट माइनस का y नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने अंदर y नॉट को मल्टीप्लाई भी कर दिया और कम्बिनेशन को भी हमने सिंपल करके लिख दिया। अब e की पावर 5 y नॉट ये किसके इक्वल होता है जी, e की पावर 5 y नॉट ये होता है y 5 के इक्वल, माइनस 5 e की पावर 4 y नॉट किसके बराबर होगा जी, ये y 4 के बराबर होगा, प्लस 10 e की पावर 3 y नॉट किसके बराबर है जी, ये y 3 के बराबर, ठीक है जी। और उसके बाद माइनस 10 e की पावर 2 y नॉट किसके बराबर है जी, ये है y 2 के बराबर, प्लस 5 e की पावर 1 y नॉट ये किसके बराबर है, 5 y 1 माइनस y नॉट
इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है जी, वो लिख सकते हैं हम। वाई फाइव हमारे पास है जी 388 माइनस फाइव, वाई फोर हमारे पास है 268 प्लस 10, वाई थ्री हमारे पास है 155 माइनस 10, वाई टू हमने फाइंड करना है प्लस 5, वाई वन किसके बराबर है 89, वाई नॉट किसके बराबर है 43 इक्वल ज़ीरो। अब आप देख सकते हैं कि इक्वल के लेफ़्ट साइड पे सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है वो क्या है, वाई टू। तो कैलकुलेटर से जब हम इसको सिंपल करते हैं तो वाई टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 के इक्वल। इट इज़ आर रिक्वायर्ड मिसिंग वैल्यू, वाई टू इज़ इक्वल टू 100, ठीक है जी। तो इस गिवन बाय वेरिएट डाटा में एक ही टर्म जो थी मिसिंग थी, जो कि आपने फाइंड कर ली। आप देख सकते हैं कि गिवन टेबल देखिए ज़रा, उसमें देख सकते हैं कि 18 के ऊपर 89 है और 22 के ऊपर जो है 155 है, और हमने 20 के ऊपर 20 के ऊपर y की क्या वैल्यू है ये फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड की है 100, और तकरीबन 100 नज़र आ रहा है कि 89 और 155 के तकरीबन दरमियान में ही है, क्योंकि 20 जो है वो 18 और 22 के तकरीबन दरमियान में है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट दरमियान में हमें रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूमेरिकल मेथड में जितना कोई भी हम न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं वो एक अप्रोक्सीमेशन होती है, वहाँ पे एग्जैक्टनेस नहीं होती, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया जो मिसिंग टर्म थी। उसके बाद इसी एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे लास्ट जो लेक्चर हुआ है, मैंने कहा था 6.1 एक्सरसाइज जो है उसके काफ़ी सारे आप क्वेश्चन कर सकते थे, और ये जो दूसरा लेक्चर है इस लेक्चर को लेने के बाद 6.1 एक्सरसाइज जो है इसके जितने भी क्वेश्चन जो चंद एक रह गए होंगे वो अब आप सारे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज 6.1 जो है यू कैन सोल्व होल दिस एक्सरसाइज कम्प्लीटली। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 6.11 पेज 6.18, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है जी, मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, और मिसिंग टर्म जो है वो एक नहीं है इस क्वेश्चन में, जो मैंने सोल्व करवाया है इसी तरीके से ही आपने करना है, ठीक है जी। और इसमें तो मिसिंग टर्म एक थी, लेकिन ये जो एग्जांपल है 6.11 पे नंबर 6.18 पे, इसमें टेबल के अंदर दो जो टर्म्स हैं वो मिसिंग हैं, तो आपने दो टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी होंगी। तो उसके लिए मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ, चूँकि आपने दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो इसी तरीके से कम्बिनेशन दो दफ़ा, दो फार्मूले दो दफ़ा कम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी जिनको आप साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, और आपके पास जो दो मिसिंग वैल्यूज होंगी वाई की वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें जो मेन इस वाले क्वेश्चन में जो एग्जांपल 6.11 है उसमें जो मेन चीज़ है वो ये वाला आइडिया इस्तेमाल होगा जो मैंने पहले बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। देखें टेबल के अंदर कितनी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इसकी बात बता रहा हूँ, और इसी तरीके से जो ये एग्जांपल आपको कही है उसके लिए आप खुद सोच सकते हैं कि टेबल के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्थ डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होगा। और मैंने आपको साथ ही हिंट बता दिया था, अगर फिफ्थ डिफरेंस 0 के बराबर है तो इसका मतलब 6th डिफरेंस जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो इसी तरह आपने ये एग्जांपल करनी है कि जितनी वैल्यूज़ गिवन है वो वाला डिफरेंस 0 के बराबर होगा, और उससे वेरी नेक्स्ट वाला जो है वो भी डिफरेंस 0 के बराबर रख के दो इक्वेशनें बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास जो दो मिसिंग टर्म्स हैं वो वाली आ जाएंगी, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 6.11 एग्जांपल है इसके अंदर 1, 2, 3, हाँ जी, इसके अंदर 5 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है जी,
तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइव वैल्यूज़ गिवन है तो डिफरेंस हमारे पास जो है नेक्स्ट वाले जो हैं वो दो वैल्यूज़ हैं, तो नेक्स्ट टू डिफरेंस जो है हमने, चूँकि पांच वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, पांचवा और छठा डिफरेंस। गौर से सुन लें, मैं फिर कह रहा हूँ, 6.11 एग्जाम्पल में पांच वैल्यूज़ गिवन हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पांच वैल्यूज़ गिवन हैं, दो फाइंड करनी है, दो मिसिंग हैं, तो क्या मतलब हुआ जी, पांचवा डिफरेंस जीरो के बराबर रखेंगे और उससे अगले वाला वेरी नेक्स्ट छठा डिफरेंस भी जीरो के बराबर रखेंगे, तब दो इक्वेशनों को साइमल्टेनली सोल्व करके वो हमारे पास तो दो अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है आपका जो क्वेश्चन है, जो सारे हमने जो पहले भी लेक्चर लिया और ये भी लेक्चर लिया, अभी तक हमने जो दो लेक्चर हो गए हैं इसमें हमने देखा है कि एक चीज़ सब में सेम है, वो क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज़ के दरमियान में जो डिफरेंस है वो सेम है, जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, इक्वल इंटरवल। ठीक है, तो अभी तक हम जो काम कर रहे हैं इक्वल इंटरवल के लिए ही काम कर रहे हैं, जब भी अनइक्वल इंटरवल के लिए काम शुरू होगा वो मैं आपको बता दूंगा, अभी तक हम इक्वल इंटरवल के लिए काम कर रहे हैं। तो आई होप कि एक्सरसाइज 6.1 जो है आप दोनों लेक्चर करवाने के बाद एक्सरसाइज 6.1 कम्प्लीटली आप सोल्व कर सकते हैं, और ये वाले जो आपको दोनों लेक्चर दिए हैं ये YouTube के ऊपर आपको ये दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, आपने वहाँ पे YouTube के ऊपर डिटेल के साथ ये वाले लेक्चर जो है सारे सुनने हैं। ठीक है, और मैं स्पेशल फोकस करूँगा जो आपका वॉच टाइम होगा उसको मैं देखूँगा, ताकि मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो जाए कि जितने टाइम का ये वाले दोनों लेक्चर थे, क्या हर स्टूडेंट ने उतना टाइम जो है वहाँ पे YouTube के ऊपर वाई टाइम दिया है, तो वहाँ से मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप जो है लेक्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ठीक है, तो एक तो वाई टाइम से आपका पता चल जाएगा, दूसरा ये है कि जब भी आपका वो जूम के ऊपर, मैं आपको बता दूंगा, जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा जूम के ऊपर क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तो वहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चंस आपको मैं कह रहा हूँ खुद करने के लिए, वहाँ पे उनको मैं रजिस्टर, आपने रजिस्टर के ऊपर सोल्व किए होंगे, तो वहाँ पे जूम के ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ साथ पहले या बाद में ये वाले क्वेश्चन भी मैं चेक करूँगा कि आपने किए हैं या नहीं किए। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।